गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर स्टैंडर्ड सिक्स स्टूडेंट एंड स्टैंडर्ड सिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड चैप्टर हुज टाइटल इज द पीपल ऑफ स्टेयर्स। बेसिकली स्टूडेंट, इट इज़ अ पोयम रिटन बाय ओजेडन नैश। बच्चों, आज हम लोग अपनी बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह एक कविता है जिसका टाइटल है द पोयम ऑफ स्टेयर्स, द पीपल ऑफ स्टेयर्स, रिटन बाय ओजेडन नैश। ओजेडन नैश के द्वारा रचित यह कविता है द पीपल ऑफ स्टेयर्स। द पीपल ऑफ स्टेयर्स मतलब ऊपर के लोग, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं। सपोज करो कि आप सेकेंड, एक अपार्टमेंट है उसके सेकेंड फ्लोर पे हो, ठीक है। और तो बच्चों, अपनी इस कविता को स्टार्ट करने से पहले आइए कवि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओजेडन नैश टुक बर्थ इन 1902 एंड डाइड इन 1971। यानी ओजेडन नैश का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1902 में और मृत्यु 1971 में, 1971। ही वॉज ए वेल नोन अमेरिकन पोएट। वह एक जाने माने अमरीकी कवि थे। आफ्टर एन एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद नैश डिड अ वैरायटी ऑफ जॉब्स विच इंक्लूडेड एडवर्टाइजिंग, टीचिंग, एडिटिंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स। तो अपनी शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ख़त्म करने के बाद नैश ने अनेकों कार्य किए, जिसमें एडवर्टाइजिंग था, टीचिंग था, एडिटिंग था और सेलिंग बॉन्ड्स था। तो शायद आपको सेलिंग बॉन्ड्स से टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग बॉन्ड्स का मतलब होता है एज अ म्यूचुअल बॉन्ड्स को सेल करना, जस्ट लाइक आप LIC, तो आई एम श्योर समझते होगे LIC, तो उसी तरह का म्यूचुअल बॉन्ड्स होता है जिसको लोग सेल करते हैं, एजेंट उसको सेल करते हैं। तो नैश भी एक टाइम पे ये बॉन्ड्स सेल किया करते थे। लेटर ही कम्प्लीटली डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग। बाद में इन्होंने लिखने के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित, लिखने के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा, यानी कविता लिखने में अपने आप को एकदम रमा लिए। विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट कलेक्शन हार्ड लाइन्स इन 1931, 1931 ईस्वी में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई जिसका टाइटल था हार्ड लाइन्स। 1931 ईस्वी में नैश की पहली कविता प्रकाशित हुई जिसका टाइटल था हार्ड लाइन्स। ही बिगन अ 40-year-old करियर ड्यूरिंग विच ही प्रोड्यूस्ड टाइटल्स सच एज आई एम अ स्ट्रेंजर हेयर माई सेल्फ एंड एवरी वन बट दी एंड मी। तो अपने नैश अपने 40 वर्ष के करियर में बहुत सारे टाइटल्स को प्राप्त किए, जिनमें से एक था आई एम अ स्ट्रेंजर हेयर माई सेल्फ, इसके लिए, और दूसरा एवरी वन बट दी एंड मी, इसके लिए। इन दो अपनी कविताओं के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। तो ये था पोएट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन द पोयम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल रीड द होल पोयम, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे अस, राइट। पहले मैं पूरा पोयम पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट। बैलेट मतलब होता है अ डांस फॉर्म, ठीक है। देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एली, देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स, देयर रेडियो इज लाउडर दैन योर्स, दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक, व्हेन दे टेक अ शावर योर सीलिंग्स लीक, दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स, एंड व्हेन देयर फन एट लास्ट अबेट्स, अबेट्स का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त कर देना, यानी पार्टी जब खत्म होती है, दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. तो आइए अब इसका मतलब समझते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि कवि एक अपार्टमेंट में है, उस अपार्टमेंट के अपस्टेयर पे, यानी सपोज कर लो कि कवि अपार्टमेंट के दूसरे माले पे है और जस्ट तीसरे माले पे उसके नेबर्स हैं। तो उनके नेबर्स का ये नेचर है कि वह हमेशा पार्टी करते रहते हैं, आए दिन वो पार्टी करते रहते हैं, सप्ताह भर पार्टी करते रहते हैं। बेसिकली लोग पार्टी, वेस्टर्न कल्चर में पार्टी जो करने का जो ट्रेंड होता है वो वीकेंड्स पे होता है। वीकेंड, सैटरडे संडे को वीकेंड्स बोलते हैं। तो वीकेंड्स को वेस्टर्न लोग, पीपल्स जो हैं वो पार्टी करते हैं, लेकिन नैश के जो नेबर्स थे वो पूरे सप्ताह पार्टी किया करते थे।
उनके कमरे से इतनी आवाज़ें आया करती थी, इतनी शोरगुल की आवाज़ें आया करती थी कि वे उससे नैश परेशान हो गया था। बिल्कुल अशांत वातावरण था। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। व्हेन दे टेक अ शावर योर सीलिंग लीक्स, इसका मतलब होता है कि जब वे लोग अपने फ्लैट में पानी का कार्य करते हैं तो आपके फ्लैट में पानी रिसता है, मतलब पानी टिप 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 करके रिसता है आपके फ्लैट में, वो पानी आता है, तो इससे वो क्या होगा, आप ऑब्वियसली सी बात है डिस्टर्ब्ड होंगे। जब वे लोग पार्टी करने जाते हैं तो जो लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाते हैं तो अपने हाथ में पोगो स्टिक्स लेके जाते हैं। पोगो स्टिक, पोगो एक गेम होता है जिसे स्टिक्स के द्वारा खेलते हैं, हॉकी से मिलता जुलता गेम होता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भाई पोगो स्टिक का क्या काम है, ऊपर कमरे के अंदर पोगो स्टिक का क्या काम है। जब वे लोग बाथरूम जाते हैं तो रोलर स्केट्स पे जाते हैं, स्केटिंग होता है, रोलर स्केट्स पे जाते हैं। और इस तरह से कवि हमें ये बताना की कोशिश कर रहा है कि कवि अपने पड़ोसियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो अशांति उनके पड़ोसी फैला रहे हैं उस अशांत वातावरण में कवि अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छे नेबर की या हैबिट भी होती है और हमें ऐसे करना भी चाहिए कि हमें हमारी वजह से हमारे कोई पड़ोस के लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जब हम म्यूज़िक सुने तो बहुत ऑडिबल वॉइस में सुने, किसी को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, कोई हमारे म्यूज़िक से कोई डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से हमें कार्य करने चाहिए। लास्ट में नैश कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसियों को ज़्यादा स्नेह करता, मैं अपने पड़ोसियों को ज़्यादा स्नेह करता यदि वे मेरे फ्लैट से दो तीन माले ऊपर रहते हैं। लाइक अगर नैश सेकंड फ्लोर पे है तो इसके पड़ोसी अगर थर्ड फ्लोर पे ना रहकर फोर्थ या फिफ्थ पे रहते तो नैश उन लोगों को ज़्यादा स्नेह करते, ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि तब शायद आवाज़ थोड़ी कम आती और वो इतने डिस्टर्ब नहीं होते जितने कि अभी हो रहे थे। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आशा करता हूँ आपको ये कविता का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों, पोएम बेसिकली बहुत छोटा है, केवल दो स्टैंजा का पोएम है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं समराइज़ करके बताऊँगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी इसको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। So that's all for today, students. Stay fit, keep learning, and be safe. Right? Have a nice day.